हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका कुक विद फूडीज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम इंस्टेंट मेदू बड़ा बनाएंगे जो बहुत ही जल्दी बनके तैयार होता है, बहुत टेस्टी होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं मेदू बड़ा बनाना। मेदू बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमने दो कच्चे आलू लिए, इनको छील के पानी में रख लिया है। अब एक बाउल में पानी लेते हैं और इसको मीडियम वाले से ग्रेट कर लेंगे। पानी के अंदर ग्रेट करेंगे जिससे हमारे आलू काले नहीं पड़े। ग्रेट करने के बाद इसको दो तीन पानी से हम वॉश करके जाली में निकाल लेंगे। हमने आलू ग्रेट कर लिया और एक पैन में हम आधा कप पानी डालते हैं और जो हमने आलू ग्रेट करा हुआ रखा था वो सारा आलू हम इसके अंदर डाल देंगे। बहुत ही झटपट बनके तैयार होता है, बहुत टेस्टी बनता है। और पानी इसमें हम ज्यादा नहीं डालेंगे, इतना ही पानी डालेंगे कि जो आलू के लच्छे हैं ना बस वो पानी में डूबे रहे। अभी पानी थोड़ा सा कम लग रहा है तो थोड़ा सा पानी हम और डाल देते हैं। बस हमें इतना डालना है कि सारे आलू के लच्छे उसमें प्रॉपर डूब जाएं। अब इसमें हम चौथाई छोटा चम्मच हींग डालेंगे और आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे। हींग से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। और इसको प्रॉपरली खूब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हम इसको ढक के 80% तक इस लच्छे को कुक करेंगे। जब तक हमारे आलू हो रहे हैं तब तक एक हम घोल बना लेते हैं। ये हमने आधा कप दही लिया हुआ है और उसी आधे कप से हम आधा कप पानी ले लेंगे और इसका एक मट्ठा जैसा बना लेंगे। अगर आपके पास मट्ठा तो आप उसको यूज़ कर लीजिए, नहीं तो मट्ठा ऐसे बना सकते हैं कि आधा दही और आधा पानी, तो टोटल हमारा एक कप बन जाएगा ये मट्ठा। और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि दही की कोई भी फुदकी ना रहे। अब एक पैन में हम एक बड़ा चम्मच ऑयल डाल देंगे। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें आधा छोटा चम्मच सरसों है राई की, जो बोलते बनारसी राई, वो हम डाल देंगे। जब हमारी राई चटकने लगेगी तो इसमें हम 5-6 करी पत्ते हैं जिनको हमने बहुत बारीक बारीक काट लिया है, उसको डालेंगे। और इसको थोड़ा सा चला लेते हैं। अब इसमें हम एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। और इसको चला लेते हैं और जो हमने दही का घोल बना के रखा था वो हम मट्ठा इसके अंदर डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा चला लेंगे जिससे हमारा दही फटे नहीं। और इसमें आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक डालेंगे और स्वाद के अनुसार एक छोटा चम्मच नमक डाल देंगे हम। इसको प्रॉपरली अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसी समय हम एक कप सूजी है वो हम डाल देंगे। तो एक कप जैसे हमने सूजी ली थी तो एक ही कप हमने मट्ठा बनाया है। जिस कोई जरूरी नहीं है कि आप जिस कटोरी से आप सूजी लीजिए उसी कटोरी से एक कप मट्ठा ले लीजिए। ये बिल्कुल प्रॉपर अच्छी माप होती है, बिल्कुल एक्यूरेट होती है। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए कोई फुदकी ना रहे इसमें, कोई भी लम्स ना रहे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। इसको एक दो मिनट तक ऐसे ही चला लेते हैं। देखिए डो की फॉर्म में आ गया है, बहुत अच्छे से प्रॉपरली मिक्स हुआ। और इसी समय हम गैस को बंद करके इसको ढक के ठंडा होने के लिए रख देते हैं। हम आलूओं को भी चेक कर लेते हैं। देखिए हमारे आलू बहुत अच्छे से पक गए हैं, पानी पूरा सूख गया है। और गैस को बंद करके इसको भी ठंडा कर लेते हैं। देखिए ये ठंडा हो गया और लगभग 15 मिनट लगे हैं इसको ठंडा होने में। और ये पूरे से ठंडा नहीं हुआ, इसको हल्का गुनगुना ही हमें रखना है। और हमारे आलू भी हल्के से ठंडे हो गए, मतलब गुनगुना ही है। अगर ठंडा कर देंगे तो बहुत अच्छे से मिक्स नहीं होगा, इसलिए इसको गुनगुना ही रखना है। और इस सारे आलू को हम इसमें डाल देते हैं और थोड़ा सा हाथ में हम ऑयल लगा लेंगे और फिर इसको अच्छे से प्रॉपरली खूब अच्छे से मिक्स करेंगे कि आलू और जो सूजी है वो आपस में बहुत अच्छे से मिल जाए और एक सॉफ्ट डो के रूप में तैयार हो जाए।
इसको रगड़ रगड़ के हमें मिक्स करना है। ये आलू की बिल्कुल फुदकी ना दिखाई दे। देखिए हमारा बिल्कुल डो के फॉर्म में तैयार हो गया है और बहुत ही अच्छा हुआ है, बिल्कुल भी हाथ में चिपक भी नहीं रहा है। बिल्कुल ऐसे ही हमें डो तैयार करना है। अब हाथ में हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसका छोटा सा पोर्शन लेंगे और इसकी छोटी छोटी पेड़े हम तोड़ लेते हैं। जितने बड़े भी आपको बनाने हैं उतने बड़े आप इसके पेड़े बना लें। मैं थोड़े छोटे छोटे साइज में बनाऊंगी और एक पेड़ा उठाएंगे, उसको गोल कर लेंगे, रोल कर लेंगे और हल्का सा प्रेस कर देते हैं। और एक पेंसिल लेंगे हम, बिल्कुल सेंटर में इसको हम डाल के और बिल्कुल पेंसिल को आर पार निकाल लेंगे, उसमें छेद कर लेंगे। तो उंगली से छेद करने से अच्छा पेंसिल से कर लो, फटाफट हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसे ही सारे मेदू बड़े हम बना लेते हैं। अब हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। इन मेदू बड़े को बिल्कुल हमने हाई टू मीडियम फ्लेम पे में फ्राई करना है। बिल्कुल आप कम तेज पे बिल्कुल मत फ्राई करिएगा, नहीं तो ये फट जाएंगे और ये ऑयल भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसको हाई फ्लेम पे ही हमें फ्राई करना है और ये बिल्कुल भी ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। बहुत ही करारे, बहुत क्रिस्पी बन के, बहुत टेस्टी बन के तैयार होते हैं। और जितनी स्पेस हो उतना ही आप इसमें डालिए, ओवर क्राउड बिल्कुल मत करिएगा। और एक दो मिनट हम इसको नहीं छुएंगे कि एक अच्छा सा पक जाए, फिर हम इसको अलगते पलटते हुए लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। और ये बिल्कुल भी नहीं फटते, बहुत फटाफट तैयार होते हैं। आप इसको पहले से भी बना के रख सकते हैं, बाद में आपके घर कोई गेस्ट आए तो आप उसको फ्राई करके गर्मा गर्म खिलाइए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। देखिए हमारे मेदू बड़े बहुत प्यारा कलर आया है और बहुत ही अच्छे से सिक गए हैं और क्रिस्पी भी हो गए हैं। अब इसको एक जाली में हम निकाल लेते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और ये देखिए बिल्कुल भी ऑयल इसने एब्जॉर्ब नहीं किया है और बहुत ही फटाफट बन के तैयार हो। आप इसको पहले से बना के रख सकते हैं, जब कोई गेस्ट आए तब आप इसको फ्राई कर लीजिए। बहुत ही खाने में टेस्टी होते हैं और इसको मनपसंद सॉस है, हरी चटनी है या नारियल की चटनी के साथ सर्व करिए। दोस्तों अगर आपको हमारी इंस्टेंट मेदू बड़े की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों आप उसको अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।